श्री गणेश को हस्ती मुख मिला। भगवान श्री गणेश के अनेक नाम है, जैसे गजानन, विघ्नेश्वर, गौरीपुत्र। हिंदू धर्म में श्री गणेश अधिपति हैं और उन्हें अग्र पूजा का मान है। एक दिन स्नान के लिए जाने से पहले पार्वती ने नंदी को बुलाया। मैं स्नान करने जा रही हूँ, ध्यान रहे कोई भी अंदर ना आने पाए। जैसी आपकी आज्ञा माते। जब पार्वती स्नान में मग्न थी, भगवान शिव वहाँ आए। सुस्वागतम, मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूँ? श्री शंकर को वहाँ देखकर पार्वती को बहुत गुस्सा आया। अब मैं भी खास भक्त का निर्माण करती हूँ, जो सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन करेगा। दूसरे ही दिन पार्वती ने अपने शरीर से चंदन का लेप निकालकर उससे एक सुंदर लड़का बनाया और उसे जीवन प्रदान किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए माते, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं प्रसन्न हो गई। मैं स्नान करने जा रही हूँ, दरवाजे पर पहरा दो, मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत छोड़ना। जैसी आपकी आज्ञा माते। पार्वती जब स्नान में मग्न थी, तभी भगवान शिव वहाँ आए। द्वार पर एक लड़के को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। वे अंदर जाने लगे। क्षमा कीजिए, परंतु आप अंदर नहीं जा सकते। क्या? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं कैलाश का अधिपति, पार्वती का पति हूँ मैं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा के बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। क्रोधित होकर शिव वहाँ से चले गए। नंदी, पार्वती के महल के बाहर एक छोटे से लड़के ने मेरा अपमान किया है, जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। नंदी ने बहुत कोशिश की, परंतु उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। ये देखकर शिव और भी क्रोधित हो गए। जाओ अपने खास सैनिकों को लेकर उसके साथ युद्ध करो। परंतु नंदी और उसके सैनिकों को उस छोटे से बालक ने सहज पराजित किया और सहजता से खड़े रहकर उन पर हंसने लगा। ये युद्ध देख रहे सारे देवगण भगवान शिव के पास गए। मैं जाकर उस बालक को समझाता हूँ। परंतु उस बालक ने ब्रह्मदेव की बात भी नहीं मानी। ब्रह्मदेव भी क्रोधित हो गए। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ब्रह्मदेव ने उस बालक पर आक्रमण किया, परंतु उस बालक ने उन्हें भी पराजित किया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला, अब तो हद ही हो गई है। कार्तिक, अपनी सारी सेना लेकर जाओ और उस बालक को मार डालो। घनघोर युद्ध हुआ, परंतु उस छोटे से बालक ने संपूर्ण सेना को पराजित किया। पार्वती को जब ये समाचार मिला, उसने काली और दुर्गा की शक्ति खड़ी की। तुम दोनों मेरे पुत्र की रक्षा करो। अब काली और दुर्गा दोनों सेना के सामने खड़ी हुई। उन्हें पराजित करना किसी भी सेना के बस में नहीं था। जब शिव ने ये सब देखा, उन्होंने सोचा, अब समय आ चुका है, मुझे ही कुछ करना होगा। वो बालक जब युद्ध में मग्न था, तब पीछे से जाकर भगवान शिव ने उस बालक का शिरच्छेद किया। अपने पुत्र का मृत शरीर देखकर पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। उसने काली और दुर्गा को आज्ञा दी, मेरे पुत्र को मारने वालों पर कोई दया मत करना। दोनों ने हाहाकार मचाया। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु पार्वती के पास गए। माते, क्षमा कीजिए, दया कीजिए माते, अपनी शक्तियों को वापस बुलाइए। मैं तभी उन्हें वापस लूंगी जब भगवान शिव मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करके सम्मान के साथ अपने पुत्र का स्थान देंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को पार्वती का संदेश दिया। पश्चाताप दग्ध शिव ने उसे मान लिया। देवगणों, मुझे एक ऐसे सजीव का मस्तक लाकर दो जो उत्तर दिशा में सिर रख के सो रहा हो। सभी ऐसा मस्तक ढूंढने गए। उन्होंने देखा, एक हाथी उत्तर दिशा में सिर रख के सोया हुआ था।
देवगणों ने उसका सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया। अपने पुत्र को पुनर्जीवित हुए देखकर पार्वती ने उसे प्रेम से आलिंगन दिया। पार्वती मुझे क्षमा करना, आज से कार्तिक की तरह ये भी मेरा ही पुत्र है। लोग हमेशा सबसे पहले इसकी पूजा करेंगे। गजानन, सभी तुम्हें विघ्नेश्वर के नाम से पहचानेंगे, साथ ही तुम सभी देवगणों के अधिपति माने जाओगे। पुत्र, चिरंजीवी बाबा।